मुंबई में हुआ एक ऐसा अजीबो गरीब कत्ल जिसके संदेह के घेरे में चार लोग, मृतक लड़की का बॉयफ्रेंड, माँ, पिता और वो व्यक्ति जिसके ऊपर संदेह था कि मृतक लड़की की माँ का उसके साथ अवैध संबंध चल रहा होगा। कई दाव पेचों में उलझी कत्ल की एक ऐसी कहानी जिसका कातिल आज भी रहस्यमय है। लापता बेटी की लाश घर में थी लेकिन घर वाले उसे बाहर ढूंढ रहे थे। ये कहानी है मुंबई के अंधेरी स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली 21 वर्षीय स्नेहल कवारी की। स्नेहल गवारे अंधेरी में पढ़ती थी और डोंबिवली में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। स्नेहल की एक बड़ी बहन भी थी जो कि लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। दिन था 19 जुलाई 2007। उस रोज सुबह 8 बजे के आसपास स्नेहल की माँ कल्पना, जो कि एक स्कूल टीचर थी, वह स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकल जाती है। 8:30 बजे के आसपास स्नेहल के पिता, जो कि बैंक में काम करते थे, वह भी घर से अपने काम पर जाने के लिए निकल जाते हैं। स्नेहल अक्सर माता पिता के काम पर जाने के बाद ही कॉलेज जाया करती और फिर शाम 4:30 बजे के आसपास घर लौट आया करती थी। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। स्नेहल की माँ और पिता जब काम पर गए और स्नेहल की माँ शाम 6 बजे के आसपास घर लौटी तो उन्होंने देखा कि स्नेहल की चप्पल दरवाजे पर पड़ी हुई है और घर के बाहर से कुंडी लगी हुई है। लिहाजन वह घर के दरवाजे की कुंडी खोलती है और अंदर दाखिल होती है। जब घर में एंट्री लेती हैं तो सबसे पहले घर में हॉल पड़ता था। स्नेहल की माँ कल्पना देखती है कि हॉल में टेबल के ऊपर पानी का भरा हुआ ग्लास रखा हुआ है। अब माँ कल्पना असमंजस में पड़ जाती हैं कि पूरे घर को यूं कुंडी लगाकर स्नेहल आखिर कहाँ चली गई। अब लिहाजन स्नेहल की चप्पल दरवाजे पर थी, इसलिए माँ स्नेहल को आसपास ढूंढती हैं। हर जगह ढूंढने के बाद जब स्नेहल का कुछ पता नहीं चलता है तब माँ चिंतित हो जाती हैं और अपना फोन निकालती हैं ताकि वह स्नेहल के पिता को इस बात की जानकारी दे सकें कि स्नेहल का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जब स्नेहल की माँ कल्पना अपना फोन निकालती है तो वो देखती हैं कि उनके फोन पर स्नेहल के नंबर से एक मैसेज आया हुआ है, लेकिन वो मैसेज ब्लैंक था। इस ब्लैंक मैसेज का समय 3:28 का था। लिहाजन अब स्नेहल गायब है, इसकी जानकारी पिता को दे दी जाती है। पिता फौरन काम से घर पहुंचते हैं और स्नेहल को ढूंढने का सिलसिला चालू होता है। हर तरफ स्नेहल के दोस्तों से और साथ ही साथ रिश्तेदारों से इस बात की जानकारी निकाली जाती है। पिता फोन लगाने लगते हैं कि आखिर स्नेहल कहां गई और क्या उन लोगों को स्नेहल के बारे में पता है। कुछ पता नहीं चलने के बाद माँ बाप परेशान होकर रात लगभग 10 बजे के आसपास डोंबिवली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और स्नेहल के गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद स्नेहल के माता पिता घर आते हैं। तब तक यहाँ परिचित और रिश्तेदार लोगों को भी स्नेहल के गायब होने की खबर मिल चुकी थी, लिहाजन वे भी घर पहुंचते हैं। स्नेहल के पिता अपने दोस्तों के साथ हॉल में बैठते हैं और स्नेहल की माँ कल्पना अपने अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बेडरूम में चली जाती है। पूरी रात ये लोग टेंशन में बिता देते हैं। सुबह 5 बजे के आसपास स्नेहल के पिता, जो कि हॉल में थे, उन्हें बेडरूम की ओर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनकी पत्नी कल्पना की थी। वह भागकर बेडरूम की ओर जाते हैं और देखते हैं कि स्नेहल की माँ कल्पना के होश उड़े हुए हैं। वह जमीन पर बैठी हुई है, उनके मुंह पर हाथ है और वो दूसरे हाथ से एक और इशारा करती नजर आ रही है। पिता जब उस ओर देखते हैं तो उन्हें बेड के बाहर एक पैर दिखाई पड़ता है। बदहवास पिता फौरन बेड के ऊपर से गद्दा हटाते हैं तो देखते हैं कि बेड के अंदर एक बॉक्स है और उसमें उनकी बेटी स्नेहल है। वही स्नेहल जिसे तकरीबन 12 घंटे से ये लोग यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। स्नेहल के हाथ पर बंधे हुए थे और उसके मुंह में सफेद कलर का कपड़ा था। देखने भर से ये तय था कि स्नेहल की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी घर वाले उसे बाहर निकालते हैं और नजदीकी अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टरों द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी जाती है कि स्नेहल अब इस दुनिया में नहीं रही। लिहाजन पुलिस को इस बात की जानकारी दी जाती है। पुलिस भी वहां पहुंचती है और स्नेहल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब कल तक जो मामला गुमसुदगी का था, अब वो मर्डर में तब्दील हो चुका था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कुछ दिनों बाद तो इस बात का खुलासा होता है कि स्नेहल की मौत दम घुटने के वजह से हुई है, जिसके बाद अब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। शुरुआती तफ्तीश में सबसे पहले पुलिस स्नेहल के घर वालों से ही पूछताछ करती है। उनसे पूछती है कि क्या उन्हें किसी के ऊपर संदेह या शक है, जिसके बाद एक नाम निकलकर सामने आता है। स्नेहल की मां कल्पना पुलिस को बताती है कि स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था हिरेन राठौर।
अब हिरेन के बारे में पता चलने के बाद फौरन पुलिस हिरेन राठौर तक पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है, जिसके बाद हिरेन राठौर पुलिस को बताता है कि उसकी स्नेहल से मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। वह अक्सर स्नेहल के घर आया जाया करता था और स्नेहल की माँ कल्पना को उनके रिश्ते के बारे में भी पता था। हिरेन राठौर पुलिस को यह भी बताता है कि पिछले एक हफ्ते से उसका स्नेहल के साथ कोई भी संपर्क नहीं हुआ है, उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। साथ ही साथ यह भी बताता है कि उसका मोबाइल फोन खराब हो गया था, उसके फोन की बैटरी खराब हो चुकी थी, जिसके चलते उसका फोन अक्सर बंद ही रहता। जब उसे किसी को फोन करना होता तभी वह अपना फोन ऑन करता। हिरेन राठौर अपने बयान में पुलिस को इस बात की भी जानकारी देता है कि जिस दिन वो घटना घटी उस दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक हिरेन राठौर अपने जॉब पर था, यानी कि अपने काम पर था। अब हिरेन राठौर के इस बयान के बाद पुलिस उसके बैकग्राउंड को टटोलना शुरू करती है और वहां पहुंचती है जहां पर हिरेन काम किया करता था। जब पुलिस हिरेन के ऑफिस वालों और साथ ही साथ कलीग से पूछताछ करती है तब यह पता चलता है कि 19 जुलाई जिस दिन यह घटना घटी उस दिन हिरेन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में ही था। पुलिस जब ऑफिस वालों से उस दिन का अटेंडेंस रजिस्टर मांगती है तो इत्तेफाक बस उस दिन का ही अटेंडेंस रजिस्टर गायब होता है। अब ऑफिस वालों का बयान तो ये बोल रहा था कि हिरेन राठौर सच कह रहा है, लेकिन गायब अटेंडेंस रजिस्टर उसके ऊपर शक भी पैदा कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर स्नेहल का मोबाइल फोन कहाँ था, क्योंकि कत्ल वाले दिन से ही वो भी गायब था। जांच के तकरीबन एक हफ्ते बाद पुलिस को स्नेहल का मोबाइल फोन मिल जाता है। लोकेशन के आधार पर पुलिस उस स्टेशनरी शॉप पर पहुंचती है। स्टेशनरी शॉप के मालिक से जब पूछताछ की जाती है तो वह पुलिस को बताता है कि कोई व्यक्ति आया था और उसने 3,500 रुपए में ये फोन उसे बेच दिया था, जिसके बाद दुकान मालिक की मदद से पुलिस उस व्यक्ति का स्केच बनवाने में कामयाबी हासिल कर लेती है। जब उस व्यक्ति के स्केच को स्नेहल के घर वालों को दिखाया जाता है तब स्नेहल के घर वाले उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब इस पूरे कत्लनामे में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगने के चलते पुलिस स्नेहल के फैमिली बैकग्राउंड को खंगालना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो बात पता चलती है वो ये होती है कि स्नेहल के पिता के खिलाफ पहले से ही स्नेहल की बड़ी बहन ने मारपीट का मामला दर्ज करवा रखा था। दूसरी बात जो पता चलती है वो ये पता चलती है कि स्नेहल के पिता हिंदूराव गवारे और माँ कल्पना, इन दोनों के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं थे। इन दोनों का आपस में अक्सर झगड़ा होता रहता था और झगड़े के पीछे का कारण ये था कि पिता हिंदूराव गवारे को शक था कि उनकी पत्नी कल्पना का किसी अनिल नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है। अब पुलिस के शक के घेरे में 4 लोग आते हैं। पहला हिंदूराव गवारे, दूसरा कल्पना, तीसरा अनिल और चौथा स्नेहल का बॉयफ्रेंड हिरेन राठौर। पुलिस की थ्योरी यह थी कि स्नेहल की लाश घर में मिली थी, इसीलिए कोई जानकार ही था जिसने स्नेहल का कत्ल किया और फिर घर के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाकर फरार हो गया। पुलिस को इस पूरे कत्ल के पीछे का मोटिव ये लग रहा था कि हो सकता है कि स्नेहल ने अपनी माँ कल्पना और अनिल को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया हो, जिसके चलते स्नेहल की माँ कल्पना और अनिल ने मिलकर स्नेहल की हत्या कर दी। दूसरा जो मोटिव था वो ये लग रहा था कि स्नेहल के पिता हिंदूराव गवारे को स्नेहल के बॉयफ्रेंड हिरेन राठौर के बारे में पता नहीं था। हो सकता है उन्हें अचानक से पता चला हो, जिसके बाद उन्हें गुस्सा आया हो और उन्होंने गुस्से में आकर स्नेहल को मौत के घाट उतार दिया। तीसरा जो था वो ये लग रहा था कि स्नेहल के बॉयफ्रेंड हिरेन राठौर और स्नेहल के बीच झगड़ा चल रहा था, इसलिए हो सकता है कि हिरेन राठौर ने ही स्नेहल का कत्ल किया हो। ये तमाम बातें और ये तमाम थ्योरी पुलिस के पास थी, लेकिन इसे साबित करने के लिए पुलिस के पास एक भी पुख्ता सबूत नहीं था। लिहाजन इस पूरे कत्लनामे की तह तक जाने के लिए पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की सोचती है। टेस्ट होता है, रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद अनिल नामक वह व्यक्ति, जिसके ऊपर शक था कि स्नेहल की माँ का उसके साथ अवैध संबंध चल रहा है, पुलिस द्वारा उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। माँ कल्पना की भी जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब उसमें भी ये कहा जाता है कि वो जो बोल रही है सच बोल रही है, इसीलिए पुलिस द्वारा उन्हें भी क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन जब बॉयफ्रेंड हिरेन राठौर के पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो फॉरेंसिक टीम पुलिस को ये बताती है कि हिरेन राठौर लगभग सच बोल रहा है, लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि स्नेहल के कत्ल में उसका हाथ है या नहीं, तब उसकी जबान तो ना बोल रही थी लेकिन उसकी धड़कन उसका साथ नहीं दे रही थी इस बयान पे।
इसलिए पुलिस द्वारा उसे क्लीन चिट नहीं दी जाती है। जब हिंदू राव गवारे, स्नेहल के पिता हिंदू राव गवारे की पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट आती है, तब उनके बयानों में भी उतार चढ़ाव देखने मिले थे, जिसके चलते साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता था कि उन्होंने स्नेहल का कत्ल किया है या नहीं, इसीलिए पुलिस द्वारा उन्हें भी क्लीन चिट नहीं दी जाती है। समय बीतता जा रहा था, लिहाजा ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और समय बीतने के चलते इस पूरे केस को पुलिस से लेकर डोंबिवली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। इस बीच हिरेन राठौड़, स्नेहल का बॉयफ्रेंड, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चला जाता है, लेकिन 2010 में उसके पिता की डेथ होती है, जिसके चलते वह इंडिया वापस आता है। इंडिया वापस आने के बाद हिरेन राठौड़ आगे से कोर्ट में अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए अर्जी डालता है, लेकिन क्राइम ब्रांच की पुलिस शक के आधार पर एक बार फिर से हिरेन राठौड़ को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है, क्योंकि 19 जुलाई 2007 का अटेंडेंस रजिस्टर गायब था। पूछताछ के बाद हिरेन राठौड़ को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्राइम ब्रांच की पुलिस ये साबित नहीं कर पाती है कि स्नेहल के कत्ल में हिरेन का ही हाथ है, जिसके बाद लगभग एक महीना जेल में बिताने के बाद हिरेन जमानत पर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वह जो नार्को टेस्ट के लिए अर्जी उसने कोर्ट में डाली थी उसे वापस ले लेता है। इस पूरे कत्लनामे के बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस और क्राइम ब्रांच ने हिरेन राठौड़ को कातिल साबित करने की कोशिश की, लेकिन सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट ने कभी भी उसे दोषी करार नहीं किया। वर्तमान समय में इस पूरे मामले में 16 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस इस हत्याकांड के पीछे के कातिल तक पहुंचना तो दूर की बात है, उसके खिलाफ एक पुख्ता सबूत तक नहीं जुटा पाई है। पुलिस की रडार पर चार नाम है, और वही चार नाम है जो पहले दिन से थे। ये केस आज तक अनसॉल्व है और ओपन है। फिलहाल दोस्तों, आज की क्राइम की कहानी में इतना ही। मिरर ऑफ ट्रूथ पर आपको ये क्राइम की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। यदि आप भी अपने पसंद की कोई क्राइम की कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज करके बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते ऐसी ही क्राइम सीरीज में किसी और कहानी के साथ। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।